भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की फिल्म संघर्ष रिलीज हो चुकी है। ये फिल्म एक साथ पूरे भारत में रिलीज की गई है और साथ ही ये फिल्म मल्टीप्लेक्स के साथ साथ सिंगल स्क्रीन सिनेमा घरों में भी रिलीज हुई है। फिल्म को बहुत ही अच्छी ओपनिंग के साथ साथ दर्शकों का बहुत प्यार मिल रहा है। फिल्म एक सोशल मैसेज देती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इस सोशल मैसेज को फिल्म पर पूरी तरह से उतारा भी गया है। खैर, ये तो रही फिल्म की बात, लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं कि फिल्म संघर्ष देखने के बाद खुद खेसारी लाल यादव का परिवार और काजल राघवानी का परिवार का फिल्म देखने के बाद क्या प्रतिक्रिया है? तो चलिए हम बताते हैं। काजल राघवानी की मम्मी ने जब ये फिल्म देखी तो वो अपने आप को रोने से रोक नहीं पाई। फिल्म में कई दफा ऐसा मौका आता है जहां वो अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं और फिल्म देखते देखते वो रो पड़ती हैं। ऐसा खुद काजल राघवानी की मम्मी ने कहा है। ये तो रहा काजल राघवानी की मम्मी का हाल जब वो फिल्म देख के निकली। अब बात करते हैं कि खेसारी लाल यादव की फिल्म जब उनकी पत्नी और बच्चों ने देखा, जो कि स्पेशली खेसारी लाल यादव खुद चाहते थे कि उनका परिवार ये फिल्म देखे, उनका क्या हाल है? तो खेसारी लाल यादव की पत्नी ने यहां तक कह दिया है कि खेसारी लाल यादव की अब तक की ये सबसे बेहतरीन मूवी है। खुद कृति यादव का कहना है कि उनके पापा एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, लेकिन अब ये फिल्म करने के बाद वो बेस्ट कलाकारों में हो गए हैं। जी हाँ, खुद खेसारी लाल यादव की बेटी कृति का कहना है कि अपने पापा की वो कोई भी फिल्म मिस नहीं करती, लेकिन हर फिल्म को लेकर वो इतनी बेताब नहीं रहती जितनी इस फिल्म को लेकर थी। उनका कहना है कि पापा द्वारा किया गया काम इस फिल्म में समाज को सुधारने का काम करेगा। और आपको एक बात और बता दें कि फिल्म देखने के बाद कृति यादव ने अपने पिता के पैर छूना नहीं भूली। वैसे आपको बता दें कि अपने दोनों बच्चों में खेसारी लाल यादव की जान बसती है। कई इंटरव्यूज में खेसारी लाल यादव ने कहा है कि वो अपने दोनों बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कृति का उनके लाइफ में बहुत ही खास और अहम जगह है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।